बलरामपुर में अलाव की व्यवस्था करने में जिला प्रशासन की लेट लतीफी पर लाइव टुडे में खास प्रोग्राम अर्बन अपडेट में दिखाई गई खबर का असर देखने को मिला है। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींव टूटी और उसने आनंद फानंद में सभी प्रखंड में अलाव जलाने का निर्देश जारी किया। दरअसल हिमालय की तहलटी के तराई क्षेत्र में स्थित होने के चलते बलरामपुर में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस बार ठंड की शुरुआत होते ही जिले के अधिकांश इलाकों में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। ठंड का असर समय से पहले शुरू हो जाने के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अलाव जलाने की कवायद दिसंबर माह से शुरू कर दी गई थी, लेकिन तमाम ऐसे स्थान थे जहां पर अलाव या तो जल नहीं रहे थे या फिर नाम मात्र के लिए दिखावा था। लाइव टुडे ने अपनी पड़ताल में उन सभी स्थानों को चिन्हित कर खबर प्रसारित की थी जहां पर अलाव नहीं जलाया जा रहा था। खबर को संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन ने नगर पालिकाओं को सभी सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पतालों और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि अलाव की व्यवस्था कराने में जो भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे जनपद में अलाव की व्यवस्था ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है। देहात क्षेत्र और शहर क्षेत्र, देहात क्षेत्र में अलाव जलाने की जिम्मेदारी संबंधित SDM की है और नगरीय क्षेत्र में अलाव जलवाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिशासी अधिकारी की है। हम प्रतिदिन शाम को ये सुनिश्चित करते हैं जो सार्वजनिक जगह है, बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर लोग के इकट्ठे होने की ज़्यादा स्थिति बनती है, बाजार हैं, अस्पताल है उसके सामने की जगह, तो यहाँ पर अलाव जले ये सुनिश्चित करते हैं। इस समय भीषण ठंडक पड़ रही है, पिछले एक सप्ताह से धूप नहीं निकला है और लोगों का हाल बेहाल है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस समय ये अलाव ही एक ऐसा सहारा है जिसके सहारे गरीब अमीर सभी लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, जिसका जरूरत नहीं होता हो घर से निकलना नहीं जा रहा, लेकिन ऐसे में जो मजदूरी पैसा लोग हैं, रिक्शा मान हैं या रिक्शा वाले हैं या नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको तो मजबूरन बाहर निकलना ही पड़ता है और उनके लिए ये ठंडी बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आई है। कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो ये इस समय सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं, नगर पालिका की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो काफ़ी महत्व रख रही हैं। हमारे लाइव टुडे ने इस खबर को प्रमुखता से बार बार उठाया है कि कई जगह अलाव नहीं जल रहे थे, जहाँ पर अब अलाव जलना खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और अलाव जलाना शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन पर भी अलाव जलाया जाने लगा है, बस स्टेशन पर भी अलाव जला है तथा वीर विनय चौराहे पर जहां अलाव नहीं जला था वहां पर भी अब अलाव जलाया जाना शुरू कर दिया गया है। निश्चित रूप से ये एक बड़ा प्रभाव है और बड़ा असर है खबर का, इसका प्रशासन ने संज्ञान लिया और हमारे पास कुछ लोग हैं दादा आप यही रहते हैं रिक्शा चलाते हैं, अलाव कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है? अरे बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ से हम आते चला के तो भी तापते हैं और पब्लिक भी तापती है। आप अभी कहाँ जा रहे थे? कोशिश से आए हो तो रूम पे जा रहे हैं। अलाव के सहारे आपका भी तो समय कटता है? हाँ बिल्कुल कटता है। हाँ बताइए कि अलाव से कितना सहारा आप लोगों को सहयोग मिल रहा है? अभी तो आप अलाव ताप रहे हैं ना, सही है ये व्यवस्था? आप बताइए जरा। हाँ ठीक है, सही चल रहा है, ठंडा भी थोड़ा आती रहा है, थोड़े चाय पिया, चाय भी बन इसी के साथ तो अलाव कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, एक गरीब आदमी के लिए इससे बढ़िया क्या चीज़ है? उसके पास कपड़ा है, ना कुछ है, कम से कम इसके किनारे बैठा हुआ है, उसकी जिंदगी बच रही है, बहुत सहारा है। जानवर बैठे हुए हैं जो बेजुबान है, किसी से कह नहीं सकते, उनके लिए बहुत फायदा है। निश्चित रूप से जो अलाव इस समय जलाए जा रहे हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव इस जन सामान पर पड़ रहा है और लोगों को काफी सुकून महसूस हो रहा है, इसका भी लाभान्वित लोग हो रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ अखिलेश तिवारी, लाइव टुडे, बलरामपुर।